नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ए टू जेड स्पीड न्यूज़ में। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के घटते मामले को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा पाबंदियों में ढील दी जा रही है। वहीं अब राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोकल ट्रेनों को आम जनता के लिए खोलने का ऐलान कर दिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि 15 अगस्त से मुंबई लोकल उन लोगों को यात्रा करने की इजाज़त दे दी है जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक ले लिए है और उन्हें दोनों खुराक के लिए 14 दिन हो गए हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा, एक साल पहले हमने भी सोचा था कि एक साल में कोविड चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। अब भी कितनी लहर आनी है ये पता नहीं। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त से मुंबई की लोकल ट्रेन सर्विस शुरू कर दी जाएगी, लेकिन ट्रेन में यात्रा करने के लिए केवल उन लोगों को अनुमति दी जाएगी जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि लोकल ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्री मोबाइल ऐप के माध्यम से लोकल ट्रेन पास डाउनलोड कर सकते हैं। जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वे शहर के नगर पालिका वार्ड कार्यालय के साथ साथ उपनगरीय रेलवे स्टेशनों से फोटो पास ले सकते हैं। उल्लेखनीय है कि इस साल कोविड-19 महामारी की खतरनाक दूसरी लहर की वजह से अप्रैल में यहां उपनगरीय ट्रेन सेवा आम लोगों के लिए निलंबित कर दी गई थी। मौजूदा समय में सिर्फ सरकारी कर्मचारी और अनिवार्य सेवा मुहैया करा रहे लोग ही लोकल ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 5,508 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन की तुलना में 553 कम है। वहीं 151 और मरीजों की मौत इस दौरान हो गई है। मौतों की तुलना में भी एक दिन की तुलना में 36 कम है। पिछले 24 घंटों में राज्य में 196,307 टेस्ट किए गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए ए टू जेड स्पीड न्यूज़। धन्यवाद।